Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel, another day, another video. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड की बेटी की मंगनी है, तो आज वो दिन है और आज का व्लॉग बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर, तो देखिए मेरा व्लॉग टिल द एंड. और ये देखें, मेरे बच्चे छोटे अभी तक सो रहे हैं, तो ठीक है जी, तो शुरू करते हैं. दिन स्टार्ट हुआ है और मैं देखें क्या 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 करने वाली हूँ, तो देखिए सारा कुछ. और मैं आज से कोशिश करने वाली हूँ कि मैं थोड़ा वॉइस ओवर कम करूँ और डायरेक्टली बात करूँ आप लोगों से ज़्यादा. बट यूजली ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं मेरे छोटे भी हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा देते, कुछ ऐसी हो जाती हैं बातें जो मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ जाता है. लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हम मैनेज करेंगे और यूज़ टू हो जाएंगे इस चीज़ के, तो तब हम मज़ीद बेहतर व्लॉग्स शुरू करेंगे. और लेकिन मुझे बहुत खुशी है आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए. तो ठीक है, अब मैं आपको टिल द एंड बताती हूँ कि मैंने आज जो भी किया क्या 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 किया, तो देखिए फिर. तो जी ये है हेयर कलर जो कि मैं करने लगी हूँ. हाँ जी, मुझे भी एंड टाइम पे सब कुछ याद आता है. एक्चुअली मैं ये करना तो एक दो दिन पहले से चाह रही थी, लेकिन आप यकीन करें कि मैं कर नहीं पा रही. तो लेकिन आज तो ज़रूरी है क्योंकि बाल बीच में तो कुछ वाइट आ गए हैं, तो उनको कवर अप करना है. ठीक है जी, तो देखिए फिर आप कि मैं लगाती हूँ क्या क्या करती हूँ. ठीक है फिर. तो जी मैं जा रही हूँ अपने घर से निकल के अपनी फ्रेंड के घर, अपने सर को पेंट करवाने, क्योंकि मैंने कहा वो कर देगी ना तो ज़रा इजीली और अच्छा काम हो जाएगा. जी गाइस, मैं तेल लगवा चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ अपने घर वापस. जी यहाँ बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे थोड़ी सी सफाई वगैरह करने में. तो जी मैं सब्ज़ी पकाने लगी हूँ आज. ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने सर पे कली लगवा आई हूँ. वो कहते हैं ना भांडे कली करा लो, तो मैं अपना सर कली करा आई हूँ, यानी कलर लगवा आई हूँ, तो हेयर डाई ना. तो अब मैं पकाने लगी हूँ सालन. तो जी देखें फिर, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा और हस्बैंड यहाँ ही रहेंगे, तो पीछे से वो रोटी ला के सालन के साथ खा लेंगे. या मेरी बच्ची बहुत अच्छी ABC पढ़ रही थी, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने वीडियोस की बनाना शुरू की तो वो कॉन्शियस हो गई और बस फिर ये होने लग गया जो आप देख रहे हैं, और बस फिर वो हंसने लग गई. जी यहाँ मैं कोसा तोरी पकाने लगी हूँ जो खड़े मसाले के साथ बनानी है, बड़ी अच्छी मज़ेदार सी बन जाती है. तो ये सारा प्रोसीडर उसका कर रही थी मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि पूरा दिन उस दिन मैंने क्या क्या किया. मंगनी वाले दिन खाना भी पकाना था, सारा कुछ, थोड़ी देर बाद अपने आप को तैयार करना, इज़ नॉट दैट ईजी. फिर जी मैं ब्लीच करने लगी, लेकिन मैं पाउडर जल्दी ना थोड़ा ज़्यादा डाल लेती, तो उसका ये है कि आपकी स्किन ना जले, तो उसके लिए आप नीचे वेवलिन की एक लेयर अपने स्किन पे लगा लें. फिर जी मैं ब्लीच कर ली, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. देखिए फिर. तो गाइस मैं हो गई हूँ ब्लीच के बाद फ्री. अब मैं बात लेने से पहले मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा ये मॉर्निंग ड्रिंक होता है नीम गर्म पानी में कुछ मसाले मसूले बनाए हैं खास, थोड़ा पतला होना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये मैंने कहा ये अभी पी लूँ और फिर मैं बात लेती हूँ. तो ठीक है फिर. सालन वगैरह तैयार होके धनिया दुनिया पा के फ्री हो गए असी. भाई पारी माओ जो आपको पता है उसको मेरा बेटा दूध दे रहा था. तो गाइस ये देखिए हमारा स्वैग बॉय, स्वैगी बॉय जो भी नाम होता है इसका, स्वैग है इसका. स्वैग तो देखिए काका, ये देख नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने तैयारी प्रॉपर शुरू कर दी. कपड़े इस्त्री किए मैंने जल्दी जल्दी सारे, और मैं बड़े इजीली इस्त्री करने लगी क्योंकि बड़े बड़े थे ना कपड़े, जैसा गरारा वगैरह, मैंने कहा बेड पे ही कर लेते हैं बैठ के. फिर ये मेकअप की बारी आ गई जो कि आपने मेरी वीडियो देखी भी थी. उसके बाद हमारी माओ की ड्यूटी बच्चों को तैयार करना है. ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से, एक ही बेटी है 5 बेटों के साथ ना,
तो फिर मुझे उसका होता है कि प्यारी से प्यारी लगे। माशाल्लाह छोटी सी है अभी, 6 साल की होने वाली है। तो ये देखिए उसको मैं तैयार कर रही हूँ, वो बेचारी कभी ये और साथ ये बच्चे शोर मचा रहे हैं जी। रूम में तो इतना मैस फैला हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बच्चे जब तैयार हो जाते हैं उनको होता है भाई चलें मामा चलें चलें, कब चलेंगी, कब गाड़ी में बैठेंगे, कब बैठ जाएंगे। तो भाई आप सब जानते हैं बच्चे वाले तो स्पेशल ये सब इन चीज़ों से गुजरते हैं, उनको पता होता है। तो जी ये देखिए मैं इसकी आईज़ ब्लश थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, इसकी आईज़ पे लगाया, साथ एंड में मैं फिर इसकी आईज़ को थोड़ा सा सही कर रही हूँ ग्रीन कलर के साथ, क्योंकि इसका लहंगा था गोल्डन ग्रीन इफेक्ट के साथ, बहुत प्यारा। और यहाँ हम पहुँच गए जी अपनी मंजिले मकसूद पे, जहाँ के फार्म हाउस को उन लोगों ने लिया था और यहाँ फंक्शन रखा था। ये बहुत खूबसूरत सेटिंग की है, ये इवेंट प्लानर एक हैं जिनको मैं जानती हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी किसी को इधर चाहिए तो। और ये बहुत खूबसूरत सी सेटिंग थी, इतनी खूबसूरत मंगनी की सेटिंग थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत अच्छा सब लग रहा था माशाल्लाह से। ये देखे लड़के और लड़की के नाम का अल्फ़ाबेट भी रखे गए थे। और यहाँ ये वो सूट जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि जी कपड़ा ले रहे हैं मरून कलर का, तो यहाँ फोटोग्राफर भी आ गया। ये हमारी दुल्हन आ गई प्यारी सी, यानी कि मंगनी की ब्राइड आ गई जिसकी इंगेजमेंट थी। यहाँ इसको सब अंदर लेके आ रहे हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि हर किसी को मैं अंदर नहीं ला सकती, तो इसकी वजह से मुझे ब्लर करना पड़ता है। तो ये सारा मतलब कि आप लोगों को पता ही है क्यों होता है ये सब। तो चलें जी फिर देखें, यहाँ सब इकट्ठे हो गए। लड़का पहले आ चुका था, तो ये लड़की के भाई हैं जो उसको लेके आ रही हैं, हमारी फ्रेंड्स वगैरह बच्ची को लेके आ रही हैं, पीछे उसकी माँ आ रही है और मैं साथ साथ वीडियो बनाती आ रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मुझे तो बस व्लॉग का था, इसकी वजह से मैं साथ साथ नहीं उसके चल सकती थी। यहाँ लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है अपने चाचा के साथ बैठा है। इन लड़कियों की एक ये ठीक है जी फुल जड़ी से अंदर जाएंगे, उन्होंने सब सेटिंग की हुई थी। ये बच्चियाँ हैं, ये जो ऑरेंज कपड़ों में बच्चियाँ थी, ये मेरी जो ये बच्ची है जिसकी इंगेजमेंट उसकी यानी कि हस्बैंड की कज़न्स हैं। और फिर ये खूबसूरत सा केक आया, ये बहुत खूबसूरत केक था और बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। पता नहीं मुझे नहीं सही पता किधर से बनवाया था, लेकिन मैं बताऊंगी पूछूंगी कभी, अगर आप लोगों को पूछना हुआ तो बताइएगा। तो यहाँ बच्चे फल खा रहे थे, ये लोग जो उसके लॉज हैं बच्ची के, वो ना उनका काफ़ी लिंक उमानी लोगों से था, तो उनका स्टाइल ना खाना पीना और ये सब वही था। तो वो डेफिनेटली उन लोगों ने फल रखे थे और बच्चे उधर धड़ाधड़ पहले से शुरू हो गए थे। तो बाद में ये जी इधर सबको मैंने आपको दिखाया इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जी मंगनी का अब लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रस्म कर रहे हैं, यानी शुरुआत हो गई है रस्म की। और लड़की को लड़का पहना रहे माशाल्लाह से, फिर जी लड़की लड़के को बनाएगी जो कि आपको पता होता है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लग रहे थे, हमारा लड़का भी बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे दोनों बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो अल्लाह इनके नेक नसीब करे। और बाकी आप लोग देखें कि देखें कितनी तैयारी होती है, कब से ये तैयारी चलती आ रही थी, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और आखिर को वो दिन आ गया जब सब कुछ हो गया। यहाँ सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, साथ खुश हो रहे हैं। ये देखें जी चार तालियाँ बज गई हैं। और एंड में आप बड़े मज़े का सीन है, ये देखें जी लड़के को जब रिंग पहनाई है तो लड़के ने अभी खुद ही हल्की सी क्लैपिंग करनी है, वो इतना खुश हुआ है ना। तो बस ये सब देखें, तो ये देखें उसने एक हाथ से ऐसे किया, वो मैं आपको सही तरह दिखा नहीं सकी। तो बस खैर, तो इसके बाद जी ये केक कटिंग का सीन था। और फिर वो बच्चे ने ना वो ऊपर फोंडेंट के फ्लावर थे वो डायरेक्ट एक पूरा पीस ही बच्ची के मुंह में डाल दिया, यानी कि ये इंगेजमेंट ब्राइड के मुंह में जो मतलब था लड़का, उसने उसके मुंह में डाल दिया एक। और वो बस उसका वो कहती मुंह का जायका मैं आपको क्या बताऊँ क्या हो गया था, लेकिन क्या कर सकते थे। तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चे खुश रहे और हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, फिरे घूमे, ये सब चल रहा था। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ जी ये मेरी फुल लुक है देखिए। तो फिर मैंने अपने बच्चों को कहा प्लीज़ व्लॉग में आ जाओ, लेकिन जी बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैं नेल ढूंढ रही थी, ये दो दफ़ा घुमा और दोनों दफ़ा ही मिल गया, लेकिन मिल गया। तो गाइस बहुत ज़्यादा किचड़ मिचड़ मची हुई है इस टाइम, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। तो नागिन
खाना मिल चुका है जी, लड्डू शड्डू मानी स्टाइल हलवा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर फल। यहाँ बेटी को बैठाया मैंने कहा खाना खा लो, लेकिन उसको मोबाइल देना पड़ा। यही बच्चे इधर जा रहे हैं, सारी फ्रेंड्स के उधर जा रहे हैं, ये छोटे छोटे आगे पीछे खाने ला ला के हमें दे रही हैं हमारी नेबर। और जी ये छोटी छोटी पेप्सियाँ मिल गई जिनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होती, मुझे तो ज़्यादा ही पीनी होती है। तो ये देखे बच्चे चिल माहौल लगे हुए हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं माशाल्लाह। और आगे मैंने अपनी नीस को पकड़ाया कि जी मेरा व्लॉग बनाओ, तो उसने शॉर्ट स्टाइल में बना रही थी, मैंने कहा विर्थ करो यानी कि व्लॉग स्टाइल में करो। तो ये देखे जी मैं बैठ के खाना खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत लग चुकी थी। उसके बाद जी एक्चुअली जो बच्चा था इसकी बर्थडे भी इसी दिन थी, तो फिर वो लोग गिफ्ट दे रहे थे। उसके बाद लड़की वालों की तरफ से जो रस्मात होती हैं, हर लड़के वाले को कपड़े वगैरह देना, वो सारी रस्मात हो रही थी। सारे उनको उन्होंने उनके लॉज में दिया, यानी कि उनकी चाची सास को, उसकी बेटियों को, और वो बैठ के सारे लाइन में बैठे थे और वो दे रहे थे। तो फिर जी रसूमात भी तो साथ साथ हम माँ बाप को अदा करनी पड़ती हैं, और बेटी वालों को तो चाहे कोई मांगे ना मांगे, कहे ना कहे, उनको ये सब करना पड़ता है। एक्चुअली ये जो ऑरेंज ड्रेस में है ये ना लड़के की कज़न्स हैं, चाचा की बेटियाँ, और इनमें से एक इस बच्ची की यानी जेठानी बनने वाली है, लड़के के बड़े भाई से इसकी मंगनी हो चुकी है। तो खैर वो खुश हैं, उनको बड़े मज़े के अच्छे सूट कतान के दिए गए थे, बड़े खूबसूरत सूट्स थे। तो फिर मतलब पूरी फैमिली को गिफ्ट्स वगैरह एक दूसरे को दिया, उन लोगों ने भी इनकी काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स वगैरह लेके आए। खैर हमारी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एल्सा लग रही थी जैसा कि मैंने पिक्चर में शो किया। ये मेरी फ्रेंड मेरे व्लॉग में आना चाहती थी। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बहुत थक चुके हैं, आपको लग भी रहा होगा अब तो गलिया ख़राब हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, और टिल देन टाटा लव यू।